أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته कहिए कैसे हैं हम सब लोग सब खैरियत से हैं ना अल्लाह ताला सबको सेहतमंद रखे खुश रखे आमीन सुम्मा आमीन मैं आपको आज चिरंजी का पौधा किस तरह लगाते हैं बता रही हूँ ये चिरंजी तो बताती हूँ किस तरह से लगाना है पौधा ये इसमें पानी डालेंगे तो इसको दो दिन तक पानी में ये बीजों को भिगाना पड़ता है क्योंकि ये जरा बहुत ही सख्त होते हैं ना ये तो इसको नरम करने के लिए और इसमें ये जो ये सेब का सिरका है ये सेब का सिरका है इसमें आधा चम्मच मिला देते हैं तो इसके बीज जरा नरम होके जल से जल निकलने के लिए बहुत फायदेमंद चीज है ये इस तरह से इसमें मिला देंगे तो इसको दो दिन तक ये भिगा देना और भिगा के इस तरह से सिरका मिला देना तो ये जल्द से जल्द पौधा निकलने के लिए मदद मिलती है ये बीना अच्छे ये जरा नरम हो जाते हैं इससे अब इसको ये बीनों को इस तरह से लगाएंगे ये देखिए ये सुराख किया हुआ है अब इसमें खाद की मिट्टी वगैरह डाली है ये है देखिए ये कोकोपीट है लाल मिट्टी है ये काली मिट्टी है ये अंडों का पाउडर है जो बहुत ही ताकतवर है जो ये खाद के काम देता है ये सब मिला इस तरह से मिक्स कर लीजिए पूरा मैं इस तरह से इसको इसमें डालेंगे की मिट्टी वगैरह इसमें डाल दी हूँ मैं अब इसमें बीज लगा दें इस तरह से अच्छा नीचे तक सुराख करके इसको एक में एक ही बीज लगाना चाहिए देखिए ये बीज लगा रही हूँ मैं देखिए इसमें मैं बीज लगा दी हूँ अब ये खाद भी डालते हैं इसमें अब ये पौधा 45 दिन से 7 हफ्तों के बाद बाहर निकलेगा ये बहुत ही दिनों में इसका पौधा निकलता है इसलिए ये सेब का सिरका वगैरह इसमें मैं शामिल की हूँ कि जल्दी निकलने के लिए ताकत जड़ों को ताकत बीज को ताकत मिलती ये चिरंजी तो मसालों में बहुत ही महंगी होती है ना इसलिए लगती भी बहुत ही मुश्किल से ये इसका पौधा लगाना बहुत मुश्किल है और झाड़ भी इसका बहुत मुश्किल से लगता है चिरंजी भी वगैरह उसका इस्तेमाल करना उसका फल फूल वो सब बहुत ही मुश्किल से होते हैं अब ये देखिए अब 7 हफ्तों के बाद इसका पौधा निकलेगा ये बहुत ही काम की चीज है चिरंजी इससे इसके जो पत्ते होते हैं ना उसको उबाल के उसका पानी पीने से जिसम में ताकत खुवत पैदा होती और इससे दिमाग तेज होता है चिरंजी से और खून भी बहुत आता है चिरंजी से
ये खाने पीने के चीजों में भी बहुत मसाले के तौर पे इस्तेमाल होता है। सालों में डालते हैं, मिठाइयों में, हर चीज में इस्तेमाल करते हैं ये, दवाओं के तौर पे, हर चीज के लिए काम आते हैं ये चिरौंजी। ये देखिए 7 हफ्तों के बाद ये इस तरीके से पौधा निकलता है। आपको ये चिरंजी का वीडियो कैसा लगा आप लिखकर बताइए मुझे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको मैं इंशाल्लाह तारा दूसरा पौधा, कल दूसरा पौधा लगाने बताऊंगी। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।